हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साई पल्लवी के बारे में। अपनी पहली फिल्म फिदा के साथ तेलुगु अभिनेत्री साई पल्लवी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। पल्लवी अपने रोल के लिए जानी जाती हैं। साई की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनकी हर छोटी से छोटी बात फैंस जानना चाहते हैं। साई पल्लवी का आज जन्मदिन है और वह 28 साल की हो गई हैं। साई साउथ इंडस्ट्रीज में काफ़ी मशहूर हैं, तो आइए जानते हैं इनसे जुड़ी कुछ अनोखी बातें। मैं हूं एसके, आप देख रहे हैं लाइव विदेश की, तो चलिए शुरू करते हैं। साई पल्लवी ने जॉर्जिया के टिबिलिसी स्टेट के मेडिकल विश्वविद्यालय यानी TSMU में पढ़ाई की है। साल 2014 में जब वह TSMU में पढ़ाई कर रही थी, तब निर्देशक अल्फोंस पुथरिन ने साई पल्लवी को फिल्म प्रेमम में मलार की भूमिका के लिए ऑफर किया। इसके लिए उन्हें साउथ का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उनकी मलयालम फिल्म काली बेहद पॉपुलर हुई थी और साई पल्लवी की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया था। एक्टर होने के साथ ही साई एक ट्रेंड डांसर भी हैं। साई पल्लवी की खासियत स्क्रीन पर कम मेकअप और अपने चेहरे को जस का तस पेश करना है। इस वजह से साई पल्लवी सिने प्रेमियों में जबरदस्त ढंग से लोकप्रिय भी हैं। साई पल्लवी सिंघम का किरदार निभाने वाले सुपरस्टार सूर्या के साथ NGK में नजर आईं, जो कि 31 मई 2019 में रिलीज हुई। साई पल्लवी 2018 में मारी 2 में धनुष के साथ नजर आईं और इस फिल्म को खूब पसंद किया गया था। हाल ही में साई पल्लवी को 2 करोड़ का फेयरनेस क्रीम एड ऑफर किया गया था, लेकिन इस एक्ट्रेस ने गोरेपन से जुड़ी क्रीम का प्रमोशन करने से मना कर दिया था। साई पल्लवी ने सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में अपनी नापसंद को लेकर बात की। वह सुंदर दिखने के लिए कभी भी मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती। साई ने कभी डांस की ट्रेनिंग नहीं ली। उन्होंने माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय के डांस वीडियो देखकर डांस सीखा। केरल से न होते हुए भी साई को ओणम सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है। क्या आप जानते हैं कि साई पल्लवी कभी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी? उनके पास डॉक्टर की डिग्री थी। अगर साई अभिनेत्री नहीं बनती तो वह एक कार्डियोलॉजिस्ट होती।